हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रेश साइंस एकेडमी। और जो आज की जो हमारी वीडियो है, ये आईसीएमआर जो नेट जेआरएफ है उसके लिए वीडियो मैंने बनाई है, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे कि कब आईसीएमआर का जो नोटिफिकेशन है वो आएगा और कब एग्ज़ाम होगा। क्योंकि जो आपकी प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छी है, और अगर वो अच्छी नहीं है तो आप हमारे चैनल है जो इसमें हमारा PYQ सीरीज चलने वाला है बहुत जल्दी, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। और हमारा टेलीग्राम चैनल क्रेश साइंस एकेडमी के नाम से है जो, और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जो नीचे लिंक दिए गए हैं, आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हो और आईसीएमआर के जो प्रैक्टिस है उसको कर सकते हो। हमें आपको ये भी बताना है कि उस किस तरह से एग्ज़ाम को तैयार करना है, जो दिया गया ड्यूरेशन है जो बचे हैं, क्योंकि काउंट डाउन स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो आईसीएमआर का जो एग्ज़ाम है वो 4 दिसंबर को इसका एग्ज़ाम होगा, 4 दिसंबर को इसका एग्ज़ाम है। और जो टोटल 30 शहरों में, 30 सिटी में जो एग्ज़ाम होने वाला है, आप अपने शहर को भी चेंज कर सकते हो, क्योंकि कुछ स्टूडेंट लॉकडाउन में फंसे हुए थे जो, उसकी वजह से उन्होंने चेंज किया था अपना जो सेंटर है। तो अभी आप अपने सेंटर को, एग्ज़ाम को, सेंटर को और थम इम्प्रेशन या फिर जो आपका सिग्नेचर है या फिर आपके फ़ोटो हैं, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो आपने फॉर्म में दिए गए थे उसको एडिट कर कर आप दोबारा से अपलोड कर सकते हैं। और जो अपडेट करने की जो डेट है वो आज से, यानी 8 अक्टूबर से लेकर 14 तारीख तक लास्ट डेट है इसकी। तो इन 6 दिन के अंदर अंदर आप अपने फॉर्म को दोबारा से रिफिल कर कर अपडेट कर सकते हो, और जो आईसीएमआर की वेबसाइट है उस पर जाकर आप ये सब काम कर सकते हो। इसका जो लिंक है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, और उस लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप सीधा वेबसाइट पे विजिट हो जाओगे, और वहाँ से आप डायरेक्टली अपने फॉर्म का लॉगिन पासवर्ड और यूजर नेम डालकर सारा कुछ कर सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच। हमारी PY की सीरीज है जो, उनसे जुड़ने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हमारी अपडेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, नोटिफिकेशन है, वो मिलती रहे। थैंक यू, बेस्ट विश फॉर योर एग्जाम।